तो जब बक्सर समाहरणालय में समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें सभी MLAs और बिहार भर के जो अधिकारी मौजूद थे, वहाँ भी हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रशासन का ये रवैया उचित नहीं है और हम जिस तरीके का सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के अंदर सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाना चाहते हैं और प्रशासन को, पुलिस को, पब्लिक पुलिस फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसमें इस तरह के जो पदाधिकारी हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं और सरकार का छवि भी बिगाड़ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बक्सर के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के युवा विधायक हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अजीत कुमार सिंह, और इनकी पार्टी है सड़क से लेकर सदन तक किसान, मजदूर और अति पिछड़ा वर्ग की हक की बातें करती है। और आइए बक्सर में जो फिलहाल किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, इस पे अजीत कुमार सिंह का क्या कहना है। आपका न्यूज फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी पार्टी हमेशा अति पिछड़ा वर्ग, किसान, मजदूरों के हक की बातें करती है, और यहाँ पे सर जो बक्सर में किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, उनकी माँ बहनों तक को आधी रात्रि में घिसीट घिसीट कर रोड पे पिटा गया, और इस पे क्या कहना है आपका। नहीं बिल्कुल, ये जो भी घटना हुई वो निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए ये कम है। हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह की घटना हुई है रात में, तो सुबह होते ही हम लोग बक्सर पहुंचे ताकि हम लोग उन लोगों से मिल सके जिनके साथ ये बर्बरता हुई है। तो उसके बाद दोपहर होते होते हम लोग वहाँ गए, जाके खुदा गांव में लोगों से मिले, गांव के लोगों के अंदर एक जो है डर का भय बना हुआ था, तो हम लोग जाकर के बातचीत किया, फिर डर का माहौल जो है वो ख़त्म हुआ लोगों का। और हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि देखिए, जनता के पास कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हैं जो सुरक्षित हैं, जैसे धरना देना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना और अपने मांगों के समर्थन में खड़ा होना, तो इसलिए इसके एवज में इस तरीके से रात में हमला करना कहीं से उचित नहीं है। और तुरंत हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई किया जाए, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन पर कार्रवाई भी हुई है और किसानों का आंदोलन अभी तक जारी है। सर, राज्य में तो आपकी महागठबंधन की सरकार है और आपकी पार्टी भी समर्थन दी है, और आप हमेशा सदन में बोलते रहते हैं किसान और महिला शिक्षा की बातें को लेकर, कभी हमेशा आप आवाज़ उठाए हैं, और सर क्या इस मुद्दे को भी लेकर आप विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, विधानसभा में उठाएंगे। और अभी आपको जानकारी होगी कि कुछ ही दिन पहले, शायद 18 तारीख को, 18 ही था ना, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे समाधान यात्रा में बक्सर में। तो जब बक्सर समाहरणालय में समीक्षा बैठक हो रही थी, जिसमें सभी MLAs और बिहार भर के जो अधिकारी मौजूद थे, वहाँ भी हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रशासन का ये रवैया उचित नहीं है और हम जिस तरीके का सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के अंदर सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाना चाहते हैं और प्रशासन को, पुलिस को, पब्लिक पुलिस फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, इसमें इस तरह के जो पदाधिकारी हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं और सरकार का छवि भी बिगाड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी किसानों पर FIR है उसको वापस लिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री से ये सवाल उठाया था और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र के दरमियान भी हम किसानों की मांगों को मजबूत, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए और जितने भी किसानों पर FIR है उसको वापस लिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री से ये सवाल उठाया था और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र के दरमियान भी हम किसानों की मांगों को मजबूती के साथ उठाएंगे। सर, एक तरफ तो इस तरह से किसान की पिटाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया वाले जब अब डिप्टी CM से पूछते हैं कि चौंसा में किसानों को इस तरह से बर्बरता से पीटा गया, तो उनको बोलते हैं कि इस बारे में मुझे पता ही नहीं। अब आपने किस दिन पूछा होगा ये तो मुझे नहीं पता, आपने अगर आज पूछा होता, कल पूछा होता, उनको जानकारी होती। किसानों का आंदोलन हो रहा है ये तो उनको जानकारी है, लेकिन इस जो बर्बरता हुई इसकी जानकारी पहुंचने में तो समय लगता है। हम लोग यहाँ पर हैं ही ना महागठबंधन की तरफ से, वहीं हमारे उप मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग तो गए ही उसी दिन, गए और जाकर के वहाँ लोगों से भी मिला और हम लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई भी करवाया, ये सब कुछ हुआ है ना, तो उस समय तक उन तक बात नहीं पहुँची होगी, तो इसमें ये कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं है। सर, ये सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत ही जल्दी, कम से कम घंटों भर में पूरे ऑल इंडिया ओवर में एक एक मैसेज चला जाता है और पूरे 24 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री को, डिप्टी CM को पता ना चले तो अब ये इस बात की जानकारी तो वहीं देंगे, इसको तो मैं नहीं कह सकता, ये तो मैं नहीं कह सकता ना। हम लोग यहाँ के लोकल हैं, हमें जैसे ही जानकारी मिली मैं वहाँ पहुँचा, इसकी जानकारी तो वो देंगे। सर, आप महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना है, क्योंकि बक्सर में कहीं ना कहीं लड़की अपने आप को खौफ महसूस करती है, शाम ढलते ही बक्सर में। देखिए, ये महिला सुरक्षा का सवाल बहुत व्यापक सवाल है और ऐसा नहीं है कि बक्सर का कोई खास मसला है या बिहार का, बल्कि देश भर में आप देखिएगा कि महिलाओं के जो राइट्स हैं वो उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं।
और देश भर में जो पितृसत्तात्मक समाज हमारे देश के अंदर है वो महिलाओं को एक टूल के रूप में देखता है, वो महिलाओं को एक भोग विलास करने वाले वस्तु के रूप में देखता है। तो ये जो मेंटेलिटी है उसको ख़त्म करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक महिलाओं को अधिकार, उनका सुरक्षा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। वो बराबरी का, अधिकार का जो लड़ाई है महिला पुरुषों के बीच में, इक्वालिटी का जो लड़ाई है वो हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये लड़ाई की, इस लड़ाई की जिस दिन जीत होगी उस दिन महिला और पुरुषों के अंदर बराबरी होगी और महिलाओं को कहीं भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाकी दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने क्षेत्र में खासतौर पर जो पुलिस प्रशासन है उसको हम लोगों ने पूरा ये निर्देश दिया हुआ है कि वो कहीं भी इस तरह की घटना हो तो तुरंत संज्ञान लें। और इधर तो हाल में ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना बहुत चर्चित हुई थी देश में, आप जानते हैं हाथरस में जो हुआ, और कई सारी घटनाएं चर्चित होती रही हैं। तो उस तरह का तो यहाँ बक्सर में नहीं हुआ है। इस तरह की घटना हो तो तुरंत संज्ञान लें। और इधर तो हाल में ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ, ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना बहुत चर्चित हुई थी देश में, आप जानते हैं हाथरस में जो हुआ, और कई सारी घटनाएं चर्चित होती रही हैं। तो उस तरह का तो यहाँ बक्सर में नहीं हुआ है। तो हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं और महिलाओं की सुरक्षा और उनकी आज़ादी के लिए हमारी पार्टी का ये लड़ाई है। सर आपका क्या कहना, सर आपका ये कहना है कि मतलब बिहार में ऐसी सारी महिलाओं के साथ कुछ खास बर्बरता नहीं होती है जिस तरह से यूपी में हो रही है? नहीं, बिल्कुल ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं पर बर्बरता के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है। सर यहाँ तो अभी तो 26 जनवरी के दिन एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और तीन लोगों ने, उनके साथी सहित तीन अन्य दोस्तों ने उनके साथ बर्बरता किया। देखिए इस पे आपका क्या कहना? बिल्कुल उन दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं जो भी इस तरीके से करते हैं। हम मतलब यूपी वर्सेज बिहार या बिहार वर्सेज मध्य प्रदेश या ये करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि हालिया जो घटनाएं घटी हैं उसमें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बर्बरतापूर्ण घटनाएं हम लोगों ने देखा है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में ये घटनाएं नहीं घट रही हैं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर भी जो भी कुछ हो रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो भी रही है। और जहाँ भी कार्रवाई नहीं होती तो उसको लेकर के हम लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं। नहीं, वो हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए थे, हमारे क्षेत्र में तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग का तो भी तो राजनीति का अपना अपना क्षेत्र है ना। हम लोग यहाँ का पार्टी हमारी पूरी व्यापकता में है तो पार्टी के हमारे जो साथी हैं वो जाते हैं। ये क्षेत्र आपका है, डुमराव क्षेत्र आपका है, लेकिन पार्टी तो पूरे बिहार भर में काम करती है। तो पूरे बिहार भर में जहाँ भी घटना घटती है वहाँ हमारे वहाँ के जो पार्टी के नेता हैं जाते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को ही बुलाया जाता है, हम लोग ही जाते हैं।